तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज को। पहला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए हुआ है, आपको सही स्टेटमेंट इसमें से चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, तो ये गलत है क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशंस में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अगला है एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ्स एट अ टाइम, तो ये गलत है क्योंकि नीचे वाला जो स्टेटमेंट दिया आपातकालीन की घोषणा के दौरान एक बार में एक वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर सी ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 वर्ष दिया है लेकिन 2 वर्ष तो होता नहीं क्योंकि एक ही साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है संविधान का 93वां संशोधन संबंधित किस चीज़ से है, तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो किया गया था वो SC and ST की एजुकेशन के लिए किया गया था। ठीक है, शैक्षिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े या वर्गों या SC और ST के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट। पहला एक तो अमेंडमेंट 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, वो उसने लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करी थी, और एक 31वां हुआ था, तो ये दोनों ही अमेंडमेंट उसी से रिलेटेड है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में निम्न उपबंधों में से कौन सा एक नहीं था। ठीक है, 1833 वाले के बारे में है तो देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारी गतिविधियों का समापन हो गया था तो सही है। परिषद में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम से बदला गया था तो ये भी सही है। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था इन काउंसिल्स। ठीक, दूसरा है परिषद के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियाँ प्रदान की गई थी तो ये भी सही है। अगला है गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय को नियुक्त किया गया था तो ये गलत है क्योंकि वो तो 1909 में किया गया था। फिर अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, वित्त आयोग का के क्या कार्य हैं। भारत की संचित निधि के धन को निकालने की अनुमति देना, देखिए अनुमति देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है फाइनेंस कमीशन के पास में, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है प्राप्त करो को राज्यों में के भागों में बांटना तो ये सही है। ठीक है, अलोकेट करता है बिटवीन स्टेट एंड शेयर्स ऑफ टैक्स जो भी होते हैं, ठीक है, राज्यों के बीच में। फिर तीसरा है सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार, टू कंसीडर एप्लीकेशंस फॉर ग्रांटेड एड। ठीक है, अनुदान के लिए अगर कोई स्टेट अप्लाई कर रहा है चाहता है तो वो उससे रिलेटेड वो देखते हैं फाइनेंस कमीशन। और चौथा है संघ सरकार तथा राज्य सरकार के बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना, टू सुपरवाइज द रिपोर्ट ऑन वेदर द यूनियन एंड द स्टेट आर लेवाइंग टैक्सेस इन अकॉर्डिंग विद द बजटरी प्रोविजन, तो ये इनका काम नहीं होता बजटरी प्रोविजन से देखने वाला। अगला क्वेश्चन है विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किस विषय से संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, द पावर टू इनलार्ज द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर रेस्ट विथ, तो वो पार्लियामेंट के पास में होती है, कोई भी लेजिस्लेटिव पावर होती है जो, ठीक है, उसको बढ़ाना कम करना वो संसद के पास में ही पावर होती है। फिर अगला क्वेश्चन है अंडमान व निकोबार द्वीप के निम्नलिखित न्यायालय में से किसका क्षेत्र अधिकार है। ठीक है, तो ये अगर लोकेशन ऐसे करके यहाँ पे कहीं अंडमान या निकोबार पड़ते हैं और आप
कंफ्यूज होंगे कि उसका जो हाई कोर्ट है वो कुछ इस तरफ लोकेटेड होगा, बट ऐसा नहीं है, वो कोलकाता में लोकेटेड है। वेस्ट बंगाल का जो हाई कोर्ट है कोलकाता में, वहाँ अंडमान एंड निकोबार का भी हाई कोर्ट उसी को ही माना गया है। अगला है गुजरात में विधानसभा चुनाव 2002 में स्थगित करने को के चुनाव आयोग के निर्णय का अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? तो आपको बता दूं, प्रेसिडेंट के पास में एक एडवाइजरी एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन होता है आर्टिकल नंबर 143 के, जिससे कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर से रिगार्डिंग राय एडवाइजेस ले सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब ये कुछ भी, जब यहाँ पे ये गुजरात में चुनाव से रिलेटेड कोई एडवाइस लेनी रही होगी, तब उन्होंने इस आर्टिकल का यूज़ किया था। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य संबंधित होते हैं, जबकि प्राकलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। तो ये सही बात है। ठीक है, तो कमिटी जो होती है पार्लियामेंट में, ये उसके उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सदस्यीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स वर्क्स अंडर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये भी सही स्टेटमेंट है। फिर अगला है, विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों तथा आयोगों के लिए संसदीय कार्य मंत्री संसद सदस्यों को नामित करता है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सही दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नयाचार के अनुसार अग्रता क्रम में निम्न निम्न में से कौन सा सबसे पहले है? एज पर द इंडियन प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सबसे पहले आता है प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग? तो उप प्रधानमंत्री है, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और अपने राज्य में राज्यपाल। तो प्रेजेंट में जो भी राज्यपाल हैं वो इनमें से सबसे आगे आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष आते होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कि निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से शेड्यूल में स्टेट्स के नाम और उनकी स्पेसिफिक कितनी टेरिटरीज हैं उनके बारे में बात की जाती है? तो वो पहला ही शेड्यूल है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई तो 9th शेड्यूल कब आया था? तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1951 में, उसी से आया था। फिर वर्ष 1946 में घटित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? पूछ रहा है कि जो भी इंटरिम कैबिनेट बनाई गई थी 1946 में, उसको किसने हेड किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने हेड किया था। फिर अगला है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है। तो ये बात सही है, आर्टिकल नंबर 108 प्रोवाइड करता है और ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। ठीक है, अगला है, लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। संयुक्त बैठक की बात कर रहा है, ज्वाइंट सेटिंग जो होती है 1961 में ही हुई थी, ये आप याद कर लीजिए। दूसरा है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए की गई थी। तो ये भी एक फैक्ट है, आप याद कर लीजिए। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव हिज एक्शन टू द ऑर्डिनेंस ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म व्हेन इट वाज सेंट बैक टू हिम बाय द यूनियन कैबिनेट विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस? जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में किसी बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा था, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी सहमति दी थी? तो आर्टिकल नंबर 123।
अगला क्वेश्चन है, संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में है? तो वो 335 में है। क्या है? इट शैल बी अ ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि ये 335 में दिया हुआ है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको एज इट इज़ आपको याद करना।